हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे प्याजी। इसे प्याजी बोलते हैं, प्याजी बड़े बोलते हैं और पता नहीं मेरे को क्या क्या बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ली है 3 मीडियम साइज़ की प्याज और 3 हरी मिर्च। अच्छे से चॉप कर लिया है उनको लंबे स्लाइस में। यहाँ मैंने डाला अजवाइन, थोड़ा सा कुटा हुआ खड़ा धनिया, थोड़ा सा गर्म मसाला एंड थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसको हाथ से हम अच्छे से मिला लेंगे प्याज को। और अब थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूंगी मैं, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग है। नमक डाल के भी बढ़िया से क्रश कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें बेसन। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। इसको मैं पानी डाल के बिल्कुल हम लोग आटा जैसे लगाते हैं वैसे गूँथ लेंगे। देखिए एकदम टाइट डो करना है, एकदम सॉफ्ट नहीं करना है। उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूंगी 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद देखिए, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। मैंने डो बहुत टाइट लगाया था। उसके बाद मैं इसकी लोई बना लूँगी जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे। और उसके बाद आप लोग साइज़ अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लीजिएगा। मेरे को थोड़ा बड़ा मतलब थोड़ा मोटा मोटा पसंद है, इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। अब मैं हाथ में लगाऊंगी थोड़ा सा तेल। तेल लगाने के बाद हम लोग इसको हाथ में, हाथ की हथेली पे क्रश मतलब थोड़ा सा क्या करेंगे, हाँ पुश मतलब जो भी बोलिए थोड़ा सा दबाएंगे, फिर ये अपने आप बड़ा हो जाएगा। बस धीरे धीरे से, और किनारे को सील करते हुए। फटे हुए किनारे मेरे को नहीं पसंद है। हम लोग मार्केट से भी जब खरीद के खाते हैं तब भी ऐसे फटे फटे किनारे मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाते हैं तो मज़ा नहीं आता है। और गाइस अभी लॉकडाउन चल रहा है, बाहर के खाने के लिए तो बहुत मन कर रहा है इधर उधर कुछ कुछ खाने का, तो इसलिए घर ही में चल रहा है बोले और कुछ नहीं। बस ये बन गया। अब मैं इसको सीधे तेल में डाल दूंगी। कढ़ाई को मैंने स्लो फ्लेम में रखा है गैस को, और तेल भी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं बबल छूट रहे हैं, ज़्यादा गर्म होता तो धुआं देता पूरा। इसको हमको स्लो फ्लेम में ही तलना है, गैस को बढ़ाना नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पर मैंने कम ऑयल का यूज़ किया है, और ये पहले से मैंने इसमें कुछ कुछ फ्राई किया था वही ऑयल बचा था, तो मैंने बस उतना को ही यूज़ किया। जान तो रहे ना हम हाउसवाइफ थोड़ी देख तक के काम करते हैं, तो जब मेरा इतने दिल में काम हो जा रहा है तो मुझे और डालने की क्या ज़रूरत है। आपके पास फ्राइंग पैन होगा तो उसमें करेंगे तो आप लोग एक बार में सारा आ जाएगा, मेरे पास है नहीं तो कढ़ाई में ही मैं बना रही हूँ। बाकी मैं बनाते जा रही हूँ डालते जा रही हूँ, इसको रखना नहीं है यार बना के, मतलब 2-3 करके तो निकाल रहे हैं तो क्या उसको रखना जैसे हो जाता है। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो लाऊं आप उसे देखना ना मिस करें। देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब धीरे धीरे करके मैं इसे तल लूँगी। मुझे कम से कम 5 मिनट तो लगा है तलने में, क्योंकि मैं एकदम स्लो फ्लेम में तला है। आप देख भी सकते हैं देखने में भी कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। देखने में जितने क्रिस्पी हैं खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। अभी मैंने 1 बेच निकाल लिया, 2 बेच और हैं, मैं 1 बेच और डाल दूंगी अब बना के। देखिए वैसे तो ये 1 ही के लायक है, तो पर भी मैं इसमें एडजस्ट कर रही हूँ, 3 निकाल रही हूँ, सोचने वाली बात है ना। बस ऐसे हथेली में मैंने एक जैसे बना के दिखाया हमको, वैसे ही पहले तो रोटी की लोई जैसे बनाते हैं वैसे हमको बना के रख लेना है। उसके बाद इसको हमको हाथ में थोड़ा सा दबाना है। साइज़ अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अब इसको छोटी करना चाहें इससे बड़ी करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। बाकी टेस्ट की मैं फुल गारंटी लेती हूँ, आप लोग को पसंद आएगा ही आएगा। देखिए ये भी फ्राई हो गया धीरे धीरे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको फ्राई करने में। स्लो भले ही मीडियम फ्लेम में हो, हम लोग कुछ कुछ काम कर रहे हैं, चलो इधर बना भी रहे हैं ऐसा है, तो मॉर्निंग टाइम में तो ऐसे ही होता है। मैंने इसे ब्रेकफास्ट में बनाया था। इसको आप लोग हरी चटनी या फिर सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मैंने सॉस के साथ खाया घर में। हरी चटनी के लिए धनिया अवेलेबल नहीं है, अभी लॉकडाउन है इसीलिए। ये देखिए मेरा लास्ट बैच है, और बस यहाँ पर मेरे प्याजी बड़े रेडी हैं एंड इट्स लुक डिलीशियस एंड खाने में भी डिलीशियस है। तो आप लोग प्लीज़ घर में एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसे बने हैं। बस स्लो फ्लेम में तलना है आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप लोग चाहो तो कढ़ाई भर के तेल डाल के भी तल सकते हो सारे एक बार में, लेकिन मुझे
वो पका हुआ तेल ज्यादा दिन रखना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैंने इतने में ही काम चलाया है। बस ये भी हो गया, इसको मैं निकाल लूंगी। और देखिए इसमें तेल तो लगा ही नहीं है यार, मतलब जो हेल्दी है बोलिए, जितना का उतना तेल ही आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये मोटा है, रोटी जैसे टाइट गुथा हुआ है आटा, इसीलिए। देखिए सारे रेडी हैं, देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं।